नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी को फिर से एक बार दिवंश टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अफसर का पासवर्ड कैसे रिकवर किया जाता है। आप अफसर अकाउंट यूज करते हो और किसी वजह से आप अफसर का पासवर्ड भूल चुके हो, आप अफसर अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, या आप अफसर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो। तो दोस्तों, अफसर का नया पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे रिकवर किया जाता है, इसी टॉपिक में आज से आप लोग से बात करने वाला हूँ और प्रैक्टिकल रूप से आपको अफसर का पासवर्ड चेंज करके भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो ये आप लोग अच्छे से समझ पाओगे और अफसर का पासवर्ड जो है रिकवर कर पाओगे दोस्तों। तो वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अफसर का पासवर्ड चेंज करने के लिए, रिकवर करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये अफसर का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखिए, यहाँ पर आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा। तो अब इस फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक पेज खुल गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में आईडी नंबर में आपको अपना अकाउंट नंबर टाइपिंग कर देना है, और नीचे मोबाइल नंबर में आपको जो भी ऑप्शन में आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वो नंबर आप यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। और नीचे में ये जो कोड है 9749, ऐसे आपको कोई कोड दिखाएगा तो ये इमेज कोड में आपको ये कोड यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट वन का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन मिल दिखा रहा है, पासपोर्ट नंबर और एनी डिपार्टमेंट अकाउंट नंबर। तो ये तो हमारे पास नहीं है, तो ये दोस्तों पासपोर्ट नंबर में आपको यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट नंबर को ऐसे, और यहाँ पर आपका पासपोर्ट का नंबर टाइपिंग करना है। जो भी पासवर्ड आप अपने घर मुल्क से आने समय में जो पासवर्ड लेकर आप विदेश आते हो, वो पासपोर्ट का जो नंबर होता है दोस्तों, वो नंबर आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। टाइपिंग करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपका जो भी नंबर ऑप्शन में होगा उस नंबर पर इस तरीके से वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो वो कोड आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। कोड टाइपिंग करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पर नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको आपका जो भी नाम होगा अफसर में, वो नाम यूजर नेम आपको यहाँ पर दिखा देगा, और नीचे न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का दो ऑप्शन दिखेगा। तो आप जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो दोस्तों, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर सही दोनों में सेम आपको टाइपिंग करना है। न्यू पासवर्ड में भी सेम वही लिखना है, और कन्फर्म पासवर्ड में आप जो भी पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड आपको जो भी पासवर्ड बनाओगे एक स्ट्रांग पासवर्ड बना लेना, जो कि अपेट कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर अल्फाबेट तीनों का मिश्रण करके आप एक स्ट्रांग पासवर्ड बना सकते हो अपने किस्म से। मैं एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन पर दिखा दिया हूँ, इसी तरीके से आप भी अपना पासवर्ड बना लेना यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में सेम। के बाद में नीचे आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए द पासवर्ड हैज़ बीन चेंजेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो आपका पासवर्ड अब है जो 100% सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, रिकवर हो चुका है दोस्तों। तो अब इसको आप अपना अफसर अकाउंट को आप लॉगिन कर सकते हो आराम से। तो अब इधर में आप देखिए अपना, अब यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड बनाए हो ऊपर में अपना अकाउंट नंबर, नीचे में जो भी पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड आप टाइपिंग करोगे तो आपका जो अफसर का अकाउंट है वो you
इस तरीके से कोड आएगा, अलाउ कर देना है। तो आपका देखिए जो अभी मैं आप सर का किया ये खुल जाए इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना पास अब सर का आप जो पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। और मन में कोई सवाल हो दोस्तों तो ज़रूर से कमेंट करके पूछिएगा। और आप कौन से देश से का हो, कहाँ का हो और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।